क्या हाल है बच्चों? नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या के दूसरे गुणधर्म क्रम विनिमेयता का अध्ययन करेंगे। क्रम विनिमेयता क्या होता है, मैंने इसके अनुसार लिखा हुआ है। क्रम विनिमेयता में क्रम के आधार पर किया गया संकलन क्रम विनिमेयता होता है। यानी क्रम का मतलब क्रम का बदलने से अगर मान बदलता है तो उसमें क्रम विनिमेयता होती है। हम लोग चेक कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्या मैंने बताया था जो शून्य से लेकर अनंत तक होती है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के द्वारा मैंने कुछ संक्रियाएं की है। इन संक्रियाओं को आप ध्यान से देखें। संक्रिया यानी योग, व्याकलन, गुणन, भाग और संख्याएं और टिप्पणी कमेंट्स क्या क्या होंगे। तो पहला हमारे पास है योग, यानी हम लोग 0 + 5 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, और 5 + 0 भी जोड़ रहे हैं तब भी 5 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 + 4 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, 4 + 3 कर रहे हैं तब भी 7 आ रहा है। तो देखने से ये लग रहा है कि दोनों का जब क्रम अगर बदल जा रहा है फिर भी उसका मान जो है टोटल मान चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ये 3 + 4 7 है, चाहे 4 + 3 7 है। इस वजह से कहा जा सकता है कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योग, अगर संख्याएं ए व बी हैं तो उनके लिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। अर्थात क्रम जो क्रम विनिमेय है योग क्रम विनिमेय होता है। दूसरा व्याकलन यानी घटाना। अगर 4 में से 3 घटाया जाए तो 1 आएगा, और विषम संख्या 3 में से 4 घटाया जाए तो -1 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह हमारा क्रम विनिमेय नहीं है। गुणन पर चेक करते हैं। 5 × 4 = 20 होगा, 4 × 5 तब भी 20 होगा। क्रम बदल रहा है लेकिन मान नहीं बदल रहा है इनका टोटल, इस वजह से गुणन क्रम विनिमेय होता है। भाग जो है, भाग पे आप देख रहे हैं 5 में 2 से भाग दे रहे हैं तो कुछ और आएगा, और 2 में 5 से भाग देंगे तो ये भी कुछ और आएगा। दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ सकती है, इस वजह से भाग जो है हमारा क्रम विनिमेय नहीं है। अब हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणधर्म तीसरे गुणधर्म सहचार्यता यानी सहचार्यता पर अध्ययन करेंगे। इसमें 3 संख्याओं को लेकर अलग अलग 2 गुणधर्मों का यानी अलग 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 गुणधर्मों का संकलन कर दिया। जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं होना जरूरी है, जैसे ए बी सी हमारे पास 3 संख्या है, तो अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी करते हैं और बी प्लस ए प्लस सी करते हैं, यानी दूसरे तीसरे को एक बार साथ लेकर एक बार पहले तीसरे को साथ लेकर जोड़ते हैं, दोनों का टोटल अगर बराबर आता है तो वह सहचार्यता नियम का पालन करता है। इस चीज़ को मैंने भी एक इस चार्ट में बनाया, इसे आप ध्यान से देखें। जैसे योग 3 संख्या 2 3 4 है, तो इसमें 2 + 3 + 4 है तो 4 3 7 और 2 9 होगा। अब मैंने क्या किया, पहले और दूसरे को ले लिया, 2 + 3 + 4 यानी जोड़ेंगे तो ये भी 9 आएगा, यानी दोनों बराबर आ रहा है, इस वजह से योग सहचर्य है। व्यकलन जो है आप देख रहे हैं 2 - 4 - 3 कर घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर वही उसी का करते हैं, 2 - 4 - 3 करते हैं तो -5 आएगा। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, इस वजह से जो है ये हमारा व्याकलन जो है सहचार्य का पालन नहीं का सहचार्य नहीं है। गुणन देखिए, यहाँ पर 3 संख्याएं 2 3 4 हैं, 2 × 3 × 4 है, यानी 2 × 4 = 12, 2 × 12 = 24 हो गया। अब मैं पहले और दूसरी लिया, 2 × 3 = 6 और 4 × 6 = 24, 24 दोनों आपस में बराबर हैं, इस वजह से ये गुणधर्म यानी गुणन जो है सहचार्य होता है। चौथा है भाग। हमने इस तरह से 10, 2 और 5 लिया है, तो यहाँ आप भाग देंगे 5 1 आएगा, और इसका भाग देख रहे हैं आप 25 आ रहा है, यानी ये भाग भी सहचार्य नहीं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रही है। अब देखिए व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, किसी संख्या का उल्टा क्रम ही व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे 1/4 है, इसका व्युत्क्रम 4/1 होगा, 5/6 है, इसका व्युत्क्रम 6/5, कोई भी संख्या लेगी उसके उसी का उल्टा क्रम कर दीजिए वह उसका व्युत्क्रम हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे आपको आपको सवाल लगाने मिलेंगे
योज्य प्रतिलोम, यानी किसी धनात्मक संख्या का ऋणात्मक मान ही योज्य प्रतिलोम होता है, जिन्हें आपस में जोड़ने पर योग शून्य आता है। जैसे दो का योज्य प्रतिलोम -2 होगा, -2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा। अर्थात अगर परिमेय संख्या भी हम लोग लेते हैं तो a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b होगा। अब दोनों जोड़ेंगे जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a/b -a/b दोनों यानी कट जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब आखिरी है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर एक होता है तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यदि एक परिमेय संख्या हमारे पास a/b है, दूसरी परिमेय संख्या c/d है, तो इनका गुणनफल एक होगा तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अर्थात किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो उस संख्या का उल्टा कर दीजिए, यानी जो अंश है उसको हर बना दीजिए, जो हर है उसको अंश बना दीजिए। जैसे हमने लिया परिमेय संख्या 4/3, 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/4। देखिए मैंने इस हर को अंश बना दिया और इस अंश को हर बना दिया, तो यानी इस 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम सिंपल 3/4 है। अब इसको चेक कर सकते हैं, अगर 4 × 3 × 3 × 4 करेंगे तो कट 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, गुणनफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे।